हिमालयन रेंज में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और ग्लेशियर पिघलने को लेकर शिमला में मंथन हुआ है और इससे निपटने के लिए 2 दिवसीय सुदृढ़ हिमालय सुरक्षित भारत कॉन्क्लेव में 7 सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया गया। इन दिनों हिमालय में ग्लेशियर का पिघलना एक बड़ी मुसीबत बन गया है जिसको लेकर शिमला में मंथन किया गया कि आखिर इस मुसीबत से बाहर कैसे आया जाए। इस दौरान 2 दिवसीय सुदृढ़ हिमालय सुरक्षित भारत कॉन्क्लेव में 7 सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया गया। अब इस एक्शन प्लान को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार प्लान को लेकर आगामी दिशा तय करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त पर्यावरण साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग प्रबोध सक्सेना ने कहा कि कॉन्क्लेव ने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिन्हें आधुनिक तकनीक के प्रयोग के साथ ही लागू करने की जरूरत है, लेकिन पारंपरिक व्यवस्थाओं को भी बनाए रखना होगा। कॉन्क्लेव में मुख्य रूप से ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग, लैंडस्लाइड पर चर्चा की गई। इन दिनों ये कॉन्क्लेव का कंक्लूजन ये था कि हमको दोनों पक्षों पे काम करना है, हमको प्रिवेंशन पे भी काम करना है और प्रिवेंशन के समय हमारी जो ट्रेडिशनल विजडम है जिसको हम भूल जाते हैं उसका इस्तेमाल करके, पुराने लोगों से संपर्क करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके, जो सदियों से जो वो काम करते रहे हैं उस हिसाब से प्रिवेंशन भी किया जाए, नई टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाए और अगर खुदा ना खास्ते डिजास्टर हो जाए तो किस प्रकार से उसकी त्रासदी को कम किया जाए, ये दो मुख्य बिंदु थे इस कॉन्क्लेव। इन दिनों वही कॉन्क्लेव में पहुंचे राजस्थान के पद्मश्री विजेता वृक्ष मित्र हिम तारा राम भावू ने भी समाज से अधिक पौधे लगाने की अपील की है क्योंकि पौधे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के साथ साथ मनुष्य को ऑक्सीजन देने का भी काम करते हैं। बताया जाता है कि इस कॉन्क्लेव में 50 से अधिक विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और हिमालय पर हो रहे परिवर्तनों, प्रभावों और उसके रोकथाम को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। अब देखना होगा कि 7 सूत्रीय एक्शन प्लान पर केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है और ग्लेशियर पिघलने की समस्या कब खत्म होती है। अरुण उनियाल, शिमला, खबरें अभी तक।